हमारा ही नेचर है सर। जब से साउथ फिल्में आई है, बाहुबली ने तो रिकॉर्ड तोड़ी ही, उसके बाद पुष्पा, आरआर और केजीएफ के बाद कहीं ना कहीं बॉलीवुड की फिल्में से लोग नाराज भी हो गए हैं, क्या बोलते हैं उसके बारे में? जी, बॉलीवुड की फिल्मों से नाराज होने का मतलब नहीं है, ऑडियंस नाराज हो गई है। जी जी, कुछ बॉलीवुड के एक्टर लोगों के कुछ की कोई नाराज है पर्सनल, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन बॉलीवुड ने आज तक पृथ्वीराज कपूर से लेके, कपूर खानदान से लेके, शम्मी कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, संजू कपूर, जो संजू है क्या नाम है, रणवीर कपूर, वहां से खानदान से लेके वो लोग अभी तक फिल्में देते आए हैं। और खान से परिवार फिल्में दी, शाहरुख खान परिवार दिए, सलमान खान परिवार दिए, बड़े बड़े डायरेक्टर, अमिताभ बच्चन जैसा हमारे पास सुपर स्टार था, राजेश खन्ना जैसा सुपर स्टार था, और भी बड़े बड़े एक्टर हुए जैसे लता मंगेशकर हुई, हमको गाना दे, दुनिया में नाम है, उसी तरह हमारा बॉलीवुड का दुनिया में नाम था, वैसे हॉलीवुड आया बॉलीवुड गया सोचते थे उस टाइम पे, इसी तरह ये भी है। अभी देखो नई नवेली दुल्हन आ गई तो इसका मतलब वो अच्छी लगती है, जैसे हमारे माँ बाप तो हर फैमिली में माँ बाप होते, उसके बाद में अभी बड़ी देवरानी बहुत साल से हमारे पास है, 50-60 साल से देवरानी सुनते, तो हमको अच्छी हमारा दिल ये हुआ है, लेकिन अब नई दुल्हन आई तो हर एक का अट्रैक्शन रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है या बॉलीवुड गलत है, बॉलीवुड गलत नहीं है, बॉलीवुड ने हमको अभी तक एंटरटेनमेंट दिया है। हर दिवाली हर ईद को जैसे सलमान भाई देते आए, ईद का हर टाइम पे दबंग, वांटेड बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी, शाहरुख ने भी बहुत अच्छी दी है, उसके बाद रोहित शेट्टी ने अच्छी अच्छी फिल्में दी है, जैसे भंसाली साहब ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी है, रणवीर सिंह ने काम कराया। एक्टर कोई भी गलत नहीं होता, कहीं का भी एक्टर, उससे काम करवा के लेना चाहिए और काम करना चाहिए, दोनों भी होते हैं, और ऑडियंस को क्या चाहिए ये उनको मालूम होना चाहिए। जी, जी, जैसे अब भी बॉलीवुड को पता चल गया कि भाई लगातार 2-3 फिल्में एक्शन हिट हो गई, बाहुबली, पुष्पा, तीनों के एक्शन अलग अलग है, एक्शन अलग अलग है, अब इसका स्टाइल बहुत अलग है, इसे पब्लिक को लाइक कर रही बहुत, और उसमें स्टाइल के साथ में एक्शन भी बहुत अच्छी है, तो हर एक लाइक करेगा। अब मेरे छोटा बच्चे को भी पूछो ना, अब बहुत अच्छी पिक्चर है, उसे समझ में नहीं आता लेकिन फिर बोलता है सर अच्छी पिक्चर, क्या समझा, कुछ नहीं समझा। जी सर, इस तरह स्टाइल बहुत अच्छा है, और आजकल बोले तो हर एक आदमी बहुत होशियार है, सोशल मीडिया भी है, और न्यूज अलग होती है, देखते कुछ अलग है, करते कुछ अलग है, ऐसा जमाना है। मतलब आपके हिसाब से आजकल की ऑडियंस को एक अच्छी कंटेंट चाहिए, अच्छी कंटेंट, अच्छी स्टोरी, अच्छी स्टोरी, जो हर डायरेक्टर को मालूम है कि इनको क्या चाहिए ऑडियंस को, लेकिन उतना खर्च करके बनाना, हाँ। वो भी डेरिंग चाहिए। जी जी, उतने डेरिंग चाहिए कि भाई इतना पैसा डाल के मैं इससे निकाल सकता हूँ कि नहीं, उसका कॉन्फिडेंस उसको खुद चाहिए। बॉलीवुड भी बना सकता है, इससे बड़े बैनर की बना सकता है, मैं साउथ की फिल्मों के गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इससे भी बड़ी फिल्म बना सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं 100% चलेगी। केजीएफ चैप्टर 3 हिंट दिया है, कितने खुश हो गए वो सुन भाई, वो तो सुन के जो थिएटर में आप देखेंगे ना, आपको पब्लिक ना जम कर रही दिखेगी, खुद ही मारेगी, इतनी जोर से चिल्लाती है, जैसे कोई शोर होता है ना, कोई प्रोग्राम में आते हैं, खुशी बहुत होती है, उससे जैसे बोलता है ना, त्योहार है ये, अभी थर्सडे से त्योहार चालू है, जैसे कोई दिवाली 5 दिन होता है, ईद 4-5 दिन होती है, वैसा क्रिश्चियन का 5 दिन होता है, जैसे हर त्योहार में 2-4-5 दिन होते हैं, वैसे ये त्योहार चालू है, अभी हम भी त्योहार का मजा ले रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड को पहले सलाम है, फिर साउथ इंडस्ट्री को सलाम है, लेकिन इंडिया जो फिल्म इंडस्ट्री है, हम ये नेचर से देखना चाहिए, इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री, हिंदुस्तान का फिल्म इंडस्ट्री, ये पहले हमारा नेचर होना चाहिए, ये फिल्म अच्छी है सभी देखो, लेकिन अच्छा ये है करके उसको बुला मत बोलो, आपको अच्छी लगती है तो अच्छी है, नहीं तो नहीं है। साउथ में भी फिल्में फ्लॉप होती है, ऐसा नहीं कि ना नहीं होती, लेकिन अच्छी फिल्में वहां भी बनती है, गलत मतलब फ्लॉप फिल्में वहां भी बनती है, यहां भी बनती है, लेकिन हम इससे ये नाम नहीं रख सकते बॉलीवुड गलत है करके। बराबर, और कोई कोई बोलते हैं भाई ऐसा है वैसा है, वो हम उनका नेचर है, वो क्या बोलते हैं, लेकिन मैं तो बॉलीवुड को पहले भी सलाम किया था, हमारे बाप दादा से लेकर से आज तक बड़े बड़े एक्टर्स लोग देखते आए हैं, इसके आगे भी हमारी पीढ़ी भी देखते रहेगी, बिल्कुल, इसलिए हमको पिक्चर अच्छी चाहिए, एक्टर अच्छा चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, ये हमारा मतलब है, कोई भी इंडस्ट्री का हो, चाहे मराठी इंडस्ट्री हो, साउथ की हो, कोई, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा बोला आपने।